अच्छे सुमुर में बहुत अच्छे लगेंगे। मॉम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? नाम पूछा तुमने? नाम नहीं पूछा। भाई से बहुत फ्रेंक है, शायद भाई की दोस्त है। अब जाएं जाके मिल ले ड्राइंग रूम में। पता नहीं कौन आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अम्मी ने परवरिश ही हमारी ऐसी की है, बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। बहुत खुश नसीब हो तुम के इतनी मजबूत और बहादुर वालदा मिली है तुम्हें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम आ गए दोबारा, कोई बात करनी थी फोन ही कर लेते। नहीं आंटी, वो जो आपसे बात करनी थी वो फोन पर नहीं की जा सकती। बेटा तुम्हें नेहा बुला रही है। जी बोलो। तुमने माफी मांगनी थी, मांग ली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और कहने को क्या रह गया है? वो आंटी, आपसे सुंबुल का हाथ मांगने आया हूं मैं। सुंबुल का हाथ मांगने आया हो? बेटा ये तो नहीं हो सकता। सुंबुल और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हाँ, तुम अपनी तरफ से शायद ये कह सकते हो, लेकिन सुंबुल की तरफ से तो नहीं कह सकते ये। नहीं नहीं आंटी, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उससे पूछ सकती हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सुंबुल का रिश्ता कहीं तय किया हुआ है और वहीं शादी करेगी, तो ये सब भूल जाओ तुम। इसमें कौन सी ऐसी कोई बात है, वो तो रिश्ता तोड़ सकती हैं। तुम कहोगे तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी? नहीं नहीं, मेरे कहने पे नहीं, अपनी बेटी की खुशी खातिर। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ अपनी बेटी की खुशी के लिए नहीं कर रही? देखिए आंटी, अगर आप चाहती हैं तो बेशक उसे यहाँ बुला लें, और अगर वो मेरे मुंह पे ये बात कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और वो आपके फैसले से खुश है, तो मैं कोई और सवाल नहीं पूछूंगा और चला जाऊंगा। तुम्हारे सवाल में मेरा जवाब काफी होना चाहिए था। आगे किसी से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए आंटी, या तो ये एकतरफा मोहब्बत की बात हो रही होती तो समझ में आती थी, अगर ऐसा होता तो जैसे मैंने कहा मैं आपसे कोई और सवाल ना करता, लेकिन इस बार ये बात उसकी और मेरी। क्या बात है, मैं तुम्हें बात समझाती हूँ। तुम एक समझदार इंसान हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारी वालदा एक बहुत ही संभली हुई समझदार खातून है, तो मैं तुम्हें ये बात कहना चाहती हूँ, ये शादी नहीं हो सकती, और मेरे बच्चे जो है ना, जो भी मेरी मर्जी होती है ना उसी में खुश रहते हैं। अब आगे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना? जी ठीक है। अपनी वालदा को मेरा सलाम जरूर देना। नेहा, मैं आलियान की बात कर रहा हूँ, तुम सुंबुल का जिक्र कर रही। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको आलियान कैसा लगा है? ठीक ही लगता है बज़ाहिर, पढ़ा लिखा है, तमीज़दार है, और वैसे भी अम्मी का ताल्लुक अच्छे लोगों से रहा है हमेशा। पर क्यों? आसिम सुंबुल आलियान को पसंद करती है। क्या? नहीं, कैसे मतलब, कब और तुम्हें किसने बताया? मुझे सुंबुल ने खुद बताया कि वो आलियान को पसंद करती है, मगर वो बहुत परेशान है कि पता नहीं अम्मी मानेगी कि नहीं। नहीं, अम्मी क्यों नहीं मानेगी, उनके लिए हमारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है, मान जाएंगी। क्या आपको यकीन है इस बात पर कि अम्मी मान जाएंगी? दो मिनट में कॉल अटेंड कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम।
मामा उस लड़के को इतनी हिम्मत किसने दी कि वो मेरे सामने आके तुम्हारे बारे में बात करे? वो मामा वो मैंने मैंने कहा था तुमसे ये तवक्को नहीं थी सुंबुल। मामा किसी को पसंद करना बुरी बात तो नहीं है। ये घटिया आइडिया ना तुम्हारे जहन में इसी लड़के ने डाले होंगे। मामा आली में कोई बुराई नहीं है। लाख अच्छाई है उसमें, लेकिन तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय किए खुर्रम के साथ, समझ रही हो ना तुम? मामा मामा प्लीज मेरी बात सुन। नहीं और कोई बहस नहीं होगी इस टॉपिक पे, तुम्हारी शादी होगी खुर्रम से और आइंदा उस लड़के को देखना भी मत, वरना मैं तुम्हारा जो हशर करूंगी ना बता नहीं सकती, समझ रही हो मेरी बात ना? नहीं मानने वाला मैं, और तुम्हें तुम्हें हां और नहीं की कश्मकश में रखकर मुंह के बल गिराऊंगा अलमास पे। हाँ सुंबुल बोलो। अली मुझे लगता है कि हम एक नहीं हो सकते। सुंबुल मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर पलट आया हूँ, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता। मैं वापस आऊंगा। अली मम्मी जो फैसला कर लेती हैं वो कभी नहीं बदलती। अभी तो मोहब्बत के सफर में पहला कदम था और तुम अभी से डर गई। जितनी हिम्मत करके मैंने मम्मी से पहली दफा जिंदगी में बात की है ऐसा कभी नहीं किया मैंने। जिंदगी में जो कुछ भी नया होता है ना वो पहली बार ही होता है, और अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत में भरोसा है तो याद रखो कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जो मोहब्बत का सफर हमने साथ शुरू किया उसे साथ ही निभाएंगे। अली मैं तुम्हारे बगैर एक सांस भी नहीं ले सकता। आप सुंबुल फैसला अब तुम्हारा है। मॉम सुंबुल अगर किसी को पसंद करती है तो वो उसका हक है। आप आराम से तसल्ली करें, तसल्ली के बाद सुंबुल की जिंदगी का फैसला कम से कम उसकी मर्जी से तो करें। बेटा करती मैं, अगर ये लड़का खुर्रम से बेहतर होता। मैंने तुम लोगों को कितनी नाजों से पाला है, हर किस्म की कंफर्ट दी है ना, तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें और जिंदगी उनकी बेहतर से बेहतर हो। अलियान के पास पैसा तो है लेकिन खुर्रम का जो माहौल है ना घर का और फैमिली का, वो माहौल अलियान के पास नहीं है। और खुर्रम बहुत बड़ा रईस आता है, यूके में एस्टैब्लिश बिजनेस है, पाकिस्तान में बिजनेस है, खानदानी है, हम उसको जानते हैं। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो होते हैं ना उसके, वो बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारे, बदतर नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि खुर्रम से ही शादी हो उसकी। एहसन भी तो बाहर सेटल होना चाहता है, यहाँ पे भी सब कुछ है उसके पास, मतलब मॉम के लिए परफेक्ट रिश्ता है, और मॉम खुशी खुशी मेरी शादी एहसन के साथ करवा देगी। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी समझ गई। देखो सुंबुल तुम पे भरोसा करती है, तुम्हारी बात मानती है, तुम उसे समझाओ कि इस लड़के को भूल जाए और खुर्रम से शादी करे प्लीज। अब सुंबुल पे मोहब्बत का भूत सवार होगा तो क्या ही समझेगी मेरी बात? वो नहीं मानेगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बेवकूफी कर रही है, हम बेवकूफी तो नहीं कर रहे। अच्छा तुम जाओ अपनी सहेलियों को फोन करके कहो पिकनिक में तुम नहीं जा सकती, मैंने मना कर दिया है।
और जाके पढ़ाई करो, चलो। जी। कैसे हो बेटा? मैंने आज तुम्हारे लिए सिंधी बिरयानी पकवाई है। अम्मी, उस लड़के का नाम क्या था जो आया था? आलियान। आलियान क्यों? मुझे अच्छा लगा। शक्ल देख के अच्छा लगा तुम्हें? तुम ही तो कहते हो कि शक्ल और सूरत से कुछ पता नहीं चलता इंसान की नीयत का। और शुरू में तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि असलियत क्या है, है ना? हाँ, पर आलियान ऐसा नहीं लगा मुझे। बेटा वो अनजान है। कौन है, क्या है, मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं पकड़ा सकती उसे। अम्मी, सुंबुल पसंद करती है उसकी। किसने कहा है? आलियान ने? नहीं नहीं, आलियान ने नहीं, सुंबुल ने नेहा को बताया और नेहा ने मुझे। तो अब क्या चाहते हो तुम? अम्मी, मेरी और आपकी चाहत की बात नहीं, बात यह है कि सुंबुल क्या चाहती। मुझे लगता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। चलो मैं पूछताछ करवाती हूँ लड़के के बारे में। थैंक यू। ऑफिस से कॉल है, एक्सक्यूज। हेलो। कितनी पागल है, सुंबुल ने नेहा को अपना राजदार बना दिया। इस नेहा को तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा और सख्ती से समझाना पड़ेगा कि सुंबुल का साथ बिल्कुल ना दे, और अंबर को भी कहना पड़ेगा कि सुंबुल से बात करे कि वो कर क्या रही है। मॉम की मोहब्बत, उनकी कुर्बानियों का ये सिला दे रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? जो तुम छुप छुप कर रही थी ना, मॉम ने सब कुछ सुना और मॉम ने मुझे बताया है। अगर ये कोई और मुझे बताता ना सुंबुल, मैं यकीन नहीं करती, लेकिन ये मुझे मॉम ने बताया है। मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझती थी, अल्लामिया की गाय समझती थी, तुम तो बड़ी शातिर निकली। तमीज से बात करो अंबर, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी। और तुम्हें किसने कहा कि सादे लोग मोहब्बत नहीं कर सकते? मोहब्बत करती हूँ मैं आली से और उनसे शादी करना चाहती हूँ। अब पसंद की शादी की तो अल्लाह भी इजाजत देता है। देता है, बिल्कुल अल्लाह पाक देता है इजाजत, लेकिन थोड़ी कंपैटिबिलिटी भी तो देखता है इंसान। क्या मतलब? अच्छा छोड़ो, मतलब इधर तो मोबाइल अपना। क्यों, क्यों दूं मैं मोबाइल? क्योंकि मॉम नहीं चाहती कि तुम इससे कांटेक्ट करो। अगर मामा नहीं चाहती तो वो मुझसे खुद फोन लेने की। तुम्हें ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं है। करूंगी जासूसी, मॉम परेशान है तुम्हारे लिए, मॉम कंसर्न है तुम्हारे लिए। उन्होंने मुझे बनाया तुम्हारा पहरेदार, समझी? जो वो बोलेंगे मैं वही करूंगी। उधर दो सेल फोन। अंबर, अंबर तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मुझे ना उन बहनों की तरह मत समझना जो कि गलत कामों में साथ देती है अपनी बहनों का। गलत बात कर रही हो तुम। जो झूठी मोहब्बत की पट्टी उसने तुम्हारी आंखों पे बांधी ना, जब तक वो उतरेगी नहीं ना सुंबुल, तब तक हर कोई तुम्हें गलत लगेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। अंबर प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती अपनी बहन के साथ। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? अगर ये खुरम जैसा होता, खुरम जैसा हैंडसम होता, खुरम जैसा पैसे वाला होता, अमीर कभी रोता, तो मैं थोड़ा सोचती भी तुम्हारा साथ देती सुंबुल। देखो सुमन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम चली जाओगी ना खुरम भाई के घर रुखसत होकर, तुम इंशाल्लाह वहाँ पे इतना खुश होगी, इतना खुश रहोगी, इतनी अय्याशी करोगी कि ये चार दिन की मोहब्बत तो भूल जाओगी तुम। अंबर, और मेरी नजरें ना तुम पर हैं, मॉम को बता दूंगी सब कुछ। बहरहाल मुझे यकीन है कि अम्मी सुंबुल की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप नहीं समझ रहे आसिम, कह रहा हूँ ना, ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं हुआ करते। मुझे लगता है मामा ने भाई को भी अच्छी खासी सुनाई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी ने आसिम से कहा है कि वो आलियान के बारे में मालूमात करवाए, फिर वो उसके बाद कोई फैसला करेंगी। गलत, आसिम से गलत कहा है। मुझे तो मामा ने साफ इनकार कर दिया है, और अंबर से भी पता नहीं क्या कहा है, वो तो मेरा फोन भी ले गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी चाह क्या रही है। मामा कुछ भी चाहती हैं, कुछ भी सोचती हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आली के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी मैं। उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। भाभी, मैं और आली एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सुंबुल,
तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि जितनी मोहब्बत तुम आलियान से करती हो वो भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता है कि नहीं? मेरी मोहब्बत की तरह आलियान की मोहब्बत भी बिल्कुल पाक साफ और पाकीजा है। आंखें बंद करके मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। तो फिर तुम टेंशन नहीं लो, मैं आसिम से बात करूंगी कि अम्मी क्या कर रही है तुम्हारे साथ। भाभी, भाभी वो मैं जानती हूँ। पता है मैं और आसिम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मोहब्बत की लगन क्या होती है। आली से बात करना बहुत जरूरी है, अगर मेरी उससे बात ना हुई तो वो परेशान हो जाएगा। मैं कैसे बात करूँ, मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। तुम ऐसा करो मेरे फोन से बात कर लो, रात में जब सब सो जाएंगे ना तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम उनसे बात कर लेना और उन्हें बताना कि तुम्हारे भाई भाभी ना तुम्हारे साथ हैं। अम्मी सुम्बुल के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं और आसिम को भी गलत बता रही हैं। आली बेटा, मैं अपने अंदर के सन्नाटे से बहुत घबरा गई हूँ। प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं भी अब खुशियों के रंग देखना चाहती हूँ बेटा, थक गई हूँ। तो मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं? तुम्हारे सर पर सेहरा देखूंगी ना तो सारे गमों के रंग हल्के हो जाएंगे। इसीलिए तो चाहती हूँ जल्द से जल्द वापस चली जाओ और तुम्हारी दुल्हन को रुखसत करवा के ले आओ। अम्मी ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिशें पूरी होंगी। और देखिए मैं खुद तरस गया हूँ कि आपकी आंखों में चमक देखूं, चेहरे पे मुस्कुराहट देखूं। बेटा हमने इकट्ठे इतने बड़े गम को झेला, इंशाल्लाह खुशियां भी साथ ही समेटेंगे। बस तुम मुझे बताओ कि हम कब वापस जा रहे हैं, टिकट्स कब की कराओगे, मैं तैयारी करूं। मुझे लगता है कि आप रोज रिदा से बात करती हैं। हाँ बेटा, और वो बच्ची बहुत परेशान है, अब तो ये भी नहीं पूछती कि कब वापस आएंगी। लेकिन सच कहूं वाली, उसकी खामोशी में छुपे सारे सवाल सुनकर मैं और शर्मिंदा हो जाती हूँ। मत आजमाओ उसके प्यार को बेटा, बहुत प्यार करती है तुमसे। अभी मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। ऐसा क्या है जो आली मुझसे छुपा रहा है? या अल्लाह, मेरे बेटे की हर परेशानी खत्म करके उसे खुशी में बदल दे। सिर्फ तुम्हारी है और किसी की नहीं। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर।
अगर तुम मेरी ना होगी ना सोनिया, तो किसी की नहीं होने दूंगा मैं। शादी नहीं करना चाहती। पहले हाँ क्यों की थी? पहले मैं जानती नहीं थी। क्या नहीं जानती थी? कि मेरे दिल में क्या है। क्या है तुम्हारे दिल में? जुगनू रो लो या फिर जाके बोल दो, तो उस हमजक से इश्क करती। नहीं नया, मैं नहीं मान सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आपको शायद इस बात पर यकीन ना आए, मगर अम्मी ऐसी ही हैं। मैंने खुद नोटिस किया है, उनका वो रवैया कभी आपके सामने नहीं आया जो मेरे साथ या बाहर पॉलर वाली लड़कियों के साथ है। आसिम प्लीज बुरा मत मानिएगा, मगर अम्मी आपके सामने जो नजर आने की कोशिश करती है ना, असल में वो वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। नेहा, आसिम मुझे लगता है कि अभी हमें इन सब बातों को भूलकर सुंबुल की खुशी को देखना चाहिए, और उसकी खुशी आलियान है, और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ रुखसत करना किसी सूरत जायज नहीं है। आप तो मानते हैं ना इस बात को? भाभी आई क्यों नहीं अभी तक? से लगता है सो गई है। भाभी, आप ही का वेट कर रही थी मैं। भाई से बात हुई? हाँ, मैंने भाई से बात की है और मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। तो क्या कहा भाई ने? कहा तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा परेशान हो गए थे, देर से सोए थे इसलिए मुझे भी आने में देर हो गई। अब कहाँ है आलियान का नंबर, निकालो। जी ये लो फोन, जल्दी से बात कर लो, ठीक है? हेलो जी, कौन? अली मैं बात कर रही हूँ, सुंबल। अरे सुंबल तुम, ये नंबर किसका है? ये भाभी का फोन है, मेरा फोन मामा के कहने पे अंबर ने मुझे जबरदस्ती ले लिया। ओ अच्छा, आपने फोन किया था? हाँ मैं कॉल कर रहा था, उसके बाद कॉल रिसीव नहीं हुई तो मैसेज किया। खैर तुम छोड़ो, तुम बताओ सब ठीक है ना? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मामा नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूं। उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं अपनी जगह डटा हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुबुल मेरी जिंदगी का हासिल तुम हो, और अगर तुम नहीं मुझे मिली ना तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं। ऐसी बातें मत करें आली, आपकी हिम्मत देने से तो मुझे हौसला मिलता है। एक बात याद रखना कि इस दुनिया में मोहब्बत इतने आराम से मिलती नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, और हम लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे हमेशा। और अगर मामा ने इनकार कर दिया तो क्या करेंगे? फिक्र ना करो, हम कल शाम को मिलते हैं और फिर इस पे बात करते हैं, और कल मैं अम्मी को लेके आऊंगा तुम्हारे घर। हाली अगर आंटी से मामा ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे बुरा लगेगा, मैं जानती हूँ मामा को, वो इनकार करेंगी। इनकार कर देंगी ना, 10 बार कर लें, लेकिन मैं तो बार बार आता रहूंगा। और हाँ, आंटी की मैं इज्जत वैसी करूंगा जैसे आज करता हूँ, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझे इस बात का यकीन है कि आंटी का दिल नरम हो जाएगा, वो मान जाएंगी। तुम बस फिक्र ना करो, कल मिलते हैं, खुदा हाफिज। अलमास बेगम, अब देखो तुम्हारी बेटी के साथ मैं क्या करता हूं। हो गई बात? जी हो गई, कल मैं उससे मिलूंगी और शाम को वो अपनी मामा को भेजेगा। अच्छा ठीक है, हम इस पे कल बात करेंगे, अभी तुम भी जल्दी से सो जाओ, ठीक है?
अली समझ क्यों नहीं रहे मामा को? कहाँ जा रही हो तुम? अभी तक कॉलेज क्यों नहीं गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। तो जाओ। सुंबर बेटा कहाँ जा रही हो तुम? मामा वो मेरी क्लास है। क्लास क्लास का कोई फायदा नहीं है, शादी के बाद तो काम नहीं आना। किसकी शादी? तुम्हारी शादी। मैंने फैसला किया है खुर्रम और उसकी फैमिली को बुला के ना रस्म पूरी करके तुम्हारी शादी की डेट सेट कर लो। लेकिन मामा, लेकिन लेकिन क्या, बहस मत करो, अब अंदर जाओ, क्लास की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। नेहा तो मेरी बात सुनो, इस घर में ना बहुत गड़बड़ हो रही है, घर का पूरा निजाम खराब हो रहा है और ये जिम्मेदारी तुम पे भी आती है। मैं चाहती हूँ ना कि तुम जरा मिलजुल के ना इस घर का निजाम ठीक करो। क्या क्या मतलब अम्मी? मतलब ये कुछ दिनों के लिए ना सुंबुल पे नजर रखो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर कोई हुई ना तो मैं तुमसे पूछूंगी। अपने कमरे में जाओ तुम। सही कहना है, मैंने मोबाइल रख लिया इसका। शाबाश मेरी समझदार बच्ची हो तुम ना, अपनी बहन की तरह नहीं जो सर में दर्द ही देती रहती है मुझे। मैं तो समझदार हूँ मामा, आपने कोई समझदारी का काम नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? दूध की रखवाली पे बिल्ली को छोड़ के जा रही हैं। बेटा मैं जब छोटी थी ना स्कूल में, तो तुम्हें पता है मेरी क्लास टीचर क्या करते थे? वो सबसे शरारती बच्ची को ना क्लास मॉनिटर बना देती थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर शरारती बच्ची को क्लास मॉनिटर बना दो ना, तो फिर बाकी लोग शरारत नहीं करते, और अगर कोई करता भी है ना शरारत, तो सबकी क्लास ली जाती है। सीखो सीखो। हेलो, मैं बात कर रही हूँ आलियान। मामा ने मुझे घर से ही नहीं आने दिया। कब तक रोकेंगी तुम्हें? कल रस्म के बाद मेरी शादी की डेट भी दे देंगी मामा। मैं बता रही हूँ मैं शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी। मरने के लिए नहीं, जीने के लिए तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और तुम बेफिक्र हो, वो लोग कल तुम्हारे घर नहीं आएंगे। क्या करेंगे आप? आस पास भाभी हैं। हाँ, लेकिन आप क्या बात करेंगे भाभी से? मेरी बात करो। बात करना चाहते हैं। हेलो, जी मेरे पास कार्ड है, आप फोन बंद करें, मैं अभी आपको भेजती हूँ पिक्चर। ओके, खुदा हाफिज़। ये पकड़ो, मैं कार्ड लेके आती हूँ। लेकिन मेरी बात, मुझे बताएं तो क्या कर रही हैं आप? लेकिन ये तो खुर्रम का कार्ड है, आपने खुर्रम के कार्ड की तस्वीर क्यों भेजी आलियान को? तुम्हें आलियान पे भरोसा है ना? है ना? मुझे नहीं पता, वो जो सोच रहा होगा कुछ बेहतर ही सोच रहा होगा। तुम तसल्ली रखो।
अम्मी की कॉल होगी, मैं सुनती हूँ। हेलो। हाँ नेहा, सुंबल से तुमने बात की? जी नहीं, वो बस करती हूँ। छोड़ो, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, उसे फोन दो। जी सुंबल, अम्मी बात करना चाह रही हैं। सलाम अलैकुम अम्मा जी, बोलें क्या बात करनी है? अच्छा नहीं कुछ नहीं, मैं घर ही आके बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? जी जी। वालेकुम सलाम। मुझे खुरम साहब से मिला। सर आप कौन? मेरा नाम आलियान है, वो जानते हैं मुझे। यस। हेलो सर, कोई आलियान साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौन? मैं नहीं जानता। सर वो कह रहे हैं कि वो आपको जानते हैं। ठीक है भेजो। ओके सर। सर अंदाज़ में जी। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। हाउ मे हेल्प यू? कैसे जानते हैं आप मुझे? आप सुंबल को जानते हैं? ऑफ कोर्स, हमारी शादी की बात चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द रिश्ता भी हो जाएगा। आप कोई रिश्तेदार लगते हैं उनके? आप मुझे एक पढ़े लिखे इंसान लगते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप समझ सकेंगे। प्लीज गो अहेड, बताइए। सुंबल और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। कॉलेज के टाइम से हमारी दोस्ती है और हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। बात ये सोचने की है कि अगर आप दोनों साथ हो भी जाएं तो खुश नहीं रहेंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसा एक पढ़ा लिखा इंसान वो ये बात समझ सकेगा। अरे आली बेटा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मी अलमास आंटी की तरफ। अच्छा किया बेटा, मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था घर पे। अलमास एक अच्छी और खुशगवार औरत है, मिलके अच्छा ही लगेगा मुझे। जी जी राव साहब, वाइट गोल्ड में ना, हाँ जी बड़ी खूबसूरत सी अंगूठी चाहिए, कल सुबह उठवा लूंगी। नहीं मैंने आपको साइज भेजा ना व्हाट्सएप पे। हाँ जी चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इसने मुझे रास्ते में बताया कि आपकी तरफ आ रहे हैं। ओ मेरी तन्हाई और अकेलेपन का बहुत एहसास है मेरे बेटे को। अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए। आंटी पहले भी आया था आपके पास आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, आज अम्मी को लेके आया हूँ। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सुंबल की बात पक्की हो चुकी है, कल उसकी मंगनी है, वरना मैं आपके बारे में आपके बेटे के बारे में जरूर सोचती, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज बैठे। ये मेरा बेटा है। जीते रहो बेटा। मैं आंटी के पास पहले भी आया था सुंबल से अपने रिश्ते की बात करने के लिए और आज अम्मी को लेके आया हूँ कि आप लोगों को यकीन आए कि मैं उसे बहुत खुश रखूँगा।
आसिम बेटा, मैंने इनको पहले ही बता दिया कि सुमुल की बात पक्की हो चुकी है और मैंने माजरत भी कर दी है इनसे। अमीन, सुमुल की मर्जी भी जान लेते तो बेहतर होता। मेरी मर्जी में ही सुमुल की मर्जी है ना बेटा। खैर, अब चाय पीजिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, अब हम चलेंगे। चलो आप। हाँ आंटी, आपको नहीं लगता कि आप सुम्बुल की अगर मर्जी के बगैर उसकी शादी करेंगी तो वो खुश होगी? एक दफा उसकी मर्जी पूछ तो ले। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अब फायदा नहीं है, उसकी बात पक्की हो चुकी है। और पता है, तुम एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो, ये सब बातें तुम्हें जेब नहीं देती हैं। आप अपने बेटे को कुछ समझाइए ना। चलो वाली, एक मिनट प्लीज। सुम्बुल, सुम्बुल को क्यों बुला रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुम्बुल, ये लोग तुम्हारा प्रपोजल लेके आए, एक रिश्ता पहले भी आया हुआ है, वो भी अच्छे लोग। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। बिना डरे बताओ। पहले जो प्रपोजल आया वो मुझे पसंद नहीं है भाई। ठीक है, जाओ। असल में हमारे घर में सारे फैसले अम्मी लेती आई हैं और फैसले सारे ठीक ही थे, पर सुम्बुल आपको पसंद करती है ये बात मैं जानता हूँ। और हमारे मजहब में भी है कि लड़की की पसंद से उसका निकाह किया जाए, तो मुझे मंजूर है। थैंक यू। माशाल्लाह, पता ही नहीं चला बेटा जवान हो गया, घर के सारे फैसले खुद ही कर रहा है। कल रात का फिर खाना इंशाल्लाह साथ खाएं। इंशाल्लाह, थैंक यू। मम्मी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन सुम्बुल की खुशी इसी बात में है। Oh, girl.